वाओ, WAP-7 और WAG-7 एक साथ में आप देख सकते हैं, गुड्स ट्रेन और एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन एक साथ में जा रही है। वाओ, कितना अच्छा नज़ारा है मेरे छत का। दोस्तों जय हिंद, मेरा नाम है संतोष कुमार और मैं हूँ लोको पायलट सोलापुर डिवीज़न में सेंट्रल रेलवे में। और आज के वीडियो में आपने थंबनेल देख लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। अगर आप भारतीय रेलवे की एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपकी रणनीति क्या होगी, आपका जो स्ट्रेटजी क्या होगा जिससे कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में पास कर सको। पहले भारतीय रेलवे में जो वैकेंसियाँ निकलती थी तो वो अलग अलग RRB के थ्रू निकलती थी, जिससे पोस्टें कम निकलती थी, तो उसमें एग्ज़ाम पास करना बहुत मुश्किल होता था। जैसे मैंने RRB भोपाल से पास किया था, वो अलग अलग वैकेंसी निकलती थी। आज के डेट में ये है वैकेंसी एक साथ सेंट्रलाइज निकलती है और ये वैकेंसी 30,000 से 35,000 के बीच में या एटलीस्ट 50,000 के ऊपर भी निकलती है, तो उसमें एग्ज़ाम पास करना बहुत ही आसान हो गया है। तो आज के वीडियो में मैं वो रणनीति बताऊँगा, वो 7 बातें बताऊँगा जिससे कि आप जो है बड़े ही आसानी से एग्ज़ाम में सिलेक्शन करके अपनी जो इच्छाएं हैं वो पूरी कर सकेंगे। तो पहला हमारा ये मोटिव है कि आपको हमेशा मोटिवेट रहना है, हमेशा आपको कॉन्फिडेंट रहना है। और ये मोटिवेशन कॉन्फिडेंट सिर्फ किताबों से या किसी यूट्यूब के वीडियो से नहीं आएगी, ये अंदर से आएगी कि मुझे कुछ करना है और मुझे रेलवे का एग्ज़ाम पास करके एक पोस्ट लेना है। ये हमारा ये है कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट है हमारा दूसरा है कि जब हम लोगों से मिलेंगे तो हमेशा निगेटिव पीपल, जो लोग बोलते हैं कि नहीं रेलवे में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता या तुम्हारे पास ये क्षमता नहीं है, ऐसे लोगों से हमें हमेशा दूरी बनाना है या अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर लेना है। ये तो हुई बातें हमारी फील कॉन्फिडेंट और ये हो गई मोटिवेशन की, या ये हो गया हमारी जो अंदर की बातें। अब आइए जानते हैं कि कैसे हमें इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि हमारी जो इंडियन रेलवे की वेबसाइट है वो रियल वेबसाइट कौन सी है जहाँ पे हमें एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेंगे। तो लोगों को मैं बता दूं कि ये जो वेबसाइट है वो भारतीय रेलवे की एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें वैकेंसी 2024 में आपको देखने को मिलेगा। और ये वैकेंसी हमेशा नहीं रहती है, कभी कभी निकलती है, तो इसमें आपको समय समय पर उस वेबसाइट को चेक करना पड़ेगा। और आपको कोई बताएगा नहीं, आपका जो दोस्त है ना वो भी अगर देखेगा कि वैकेंसी आई हुई है तो शायद वो आपको नहीं बताएगा। वैकेंसी जब डेट निकल जाएगी तब बोलेगा कि यार तुमने फॉर्म फिलअप नहीं किया क्या, वैकेंसी आई थी रेलवे की। तो ये पहले भी बता सकता था लेकिन आपको पहले वो नहीं बताएगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन हो या आप अच्छी लाइफ जिए। ठीक है, तो मैं वो वेबसाइट का नाम बताता हूँ आपको। गूगल में या किसी भी ब्राउज़र में जाना होगा, वहाँ पे आपको टाइप करना होगा indianrailways.gov.in। जैसे ही अगले पेज खुलेगा उस पेज में राइट साइड में कॉर्नर में ऊपर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट लिखा हुआ आपको मिलेगा। रिक्रूटमेंट को टच करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज खुलेगा जिसपे आपको राइट साइड में 21 RRB के नाम दिखेंगे और वो RRB 21 RRB रहेगी। आप अपने एरिया में आप अपने मनपसंद RRB को चुन सकते हैं। और आप सबको बता दूँ कि जो भी चाहे तो इंडियन रेलवे के किसी भी RRB के थ्रू आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकता है। भारत के संविधान ने हमें आज़ादी दिया है कि हम कहीं भी रह सकते हैं और किसी भी जगह का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और मैं महाराष्ट्र में जॉब करता हूं, तो ये हमें भारत के संविधान ने आज़ादी दिया है। तो आप अपने हिसाब से अपना जो RRB है सेलेक्ट करके चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्म। अब आते हैं स्टडी मटेरियल। अभी आपको अपने पोस्ट के हिसाब से स्टडी मटेरियल चुनना होगा। जो भी आपका पोस्ट है उसी आधार पे आपको अपना स्टडी मटेरियल कहीं से भी प्राप्त करना है, लेना है और उससे स्टडी करना है। वरना आप अपने स्टडी मटेरियल के आधार पे अगर पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपके मन मुताबिक क्वेश्चंस नहीं आएंगे, फिर आप पढ़ के कुछ और जाएंगे और एग्ज़ाम में कुछ और आएगा तो फिर आप वही के वही रह जाएंगे, फिर आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको जो स्टडी मटेरियल है अपने पोस्ट के आधार पे लेकर के रखना पड़ेगा।
और नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है कि आपको एटलीस्ट 4 से 6 महीना, जो लोग पहले से तैयारी करके रखे हैं या जो जिनका बेसिक मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, वो लोग तो बड़े ही आसानी से 3 से 4 महीना में स्टडी कर करके निकाल सकते हैं। लेकिन जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, तो उनको बता दूँ कि ये एग्ज़ाम थोड़े हार्ड हुए हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन रहता है, तो उससे लिए आपको एटलीस्ट 6 महीना तो आपको स्टडी करना पड़ेगा। और इस स्टडी के दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे के जो प्रैक्टिस वर्कबुक है उसको हल करना पड़ेगा, जिसमें कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस रहते हैं। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता दूं कि ज़्यादातर रेलवे के एग्ज़ाम्स में है ना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ही आते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो आप जितना ज़्यादा रेलवे प्रैक्टिस वर्कबुक से पढ़ाई करोगे आपको श्योर सक्सेस मिलेगा। इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वो लोग ऑनलाइन, अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो तो ऑनलाइन बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पे आप मॉक टेस्ट दे करके भी आप अपनी जो कैपेसिटी है, आप अपना कैपेबिलिटी है वो उसको बिल्डअप कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो ये तो हमारा स्टडी करने का तरीका हो गया। तो और एक चीज़ और है कि आप है ना लगातार पढ़ाई करना पड़ेगा, जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको भले ही 2 घंटा 1 घंटा पढ़ो, और लेकिन आपको लगातार पढ़ाई करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है कि आपको इस सफलता पाने के लिए, कि मैं तो नहीं जानता कि सबका आस्था और विश्वास कितना है, और मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं मेरी ये मानता है कि अगर आपने 100 में से 95% हार्ड वर्क को देते हो और 3% गॉड को देते हो और 2% लक को देना चाहिए, तभी आपका बड़े ही आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जो खुद अपना मदद करना जानते हैं, और लक तभी बनता है जब आप खुद अपना लक बनाने के लिए तैयार रहते हैं तब। तो आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर भी जब क्रिकेट के मैदान में सेंचुरी मार लेता था, तो वो जब सेंचुरी मार लेता था तो हेलमेट उतार करके फिर वो गॉड को थैंक यू बोलता था। तो थैंक यू बोलना है हमें गॉड को, लेकिन हाँ हार्ड वर्क पे सबसे पहले ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने तैयारी के दौरान नो गर्लफ्रेंड नो बॉयफ्रेंड। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि जब आप इस एज में रहते हो तो बहुत अच्छा लगता है, हार्मोनल एक्टिविटी ज़्यादा रहती है तो बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी लड़की से बात करें। बट यकीन मानिए कि ये जो लड़की है ये आपका फ्यूचर बर्बाद करेगी। एटलीस्ट आपको 6 महीना, जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप पढ़ने बैठेंगे वैसे ही इनको आपकी याद आ जाएगी। और जब याद आ जाएगी तो यकीन मानिए भाई साहब कि जब तक कि आप उसको 1 घंटा दे नहीं देंगे वो आपको पढ़ने नहीं देगी। वो ऐसा जानबूझ के नहीं करती है, बशर्ते प्यार में पड़ी हुई लड़की आपके बारे में हर कुछ जानना चाहती है, अपनी हर बातें बताना चाहती है, इसलिए वो लंबा खींचती है बात को। जहाँ उसको ये जानने में इंटरेस्ट है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, वही आपको ये इंटरेस्ट है कि तुम हमें मिलोगी कब। तो इसमें जो है टाइम ज़्यादा चला जाता है। तो ये 6 महीने तक आप बचा दो, फिर उसके बाद आप देखो कि जैसे ही आप जॉब में आ जाओगे, नौकरी में आ जाओगे, तो ऐसी ऐसी लड़कियों के ऑफ़र आएंगे शादी के लिए कि जिन्होंने आपको कॉलेज टाइम में भाव नहीं दिया था, आप हैरान रह जाओगे। शीशा में अपना चेहरा देखोगे कि वो क्या मैं इस लड़की के लायक हूँ जिसका प्रस्ताव मेरे घर पे शादी के लायक के लिए आया है। तो यकीन मानो आप इन सब से दूरी बना लो। अगर कोई लाइफ में है तो उससे बहाने से दूरी बना लो, अगर कोई ऑनलाइन है तो उसे ब्लॉक करो, लेकिन 6 महीने तक इससे दूरी बना करके रखो, आपको श्योर सफलता मिलेगी। और मैं लड़कियों से बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो तो
इन सब से दूर रहना, क्योंकि जो लड़का तुम्हारे साथ बड़ी बड़ी प्यार की बातें जो कर रहा है ना, यकीन मानो जिस दिन उसका टारगेट तुमसे पूरा हो जाएगा वो अपने अगले शिकार की तलाश में लग जाएगा और फिर तुम ब्रेकअप का रोना रोते बैठना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि तैयारी करो 1-6 महीना और उसके बाद अपने माँ बाप को प्राउड फील करा दो। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो बताना था। तो ये हमारा स्ट्रेटजी था, जो हमारा रणनीति था टोटल। और श्योर आपने ये बातें अपने जीवन में अपने इस तैयारी के में अपने लगा लिया तो श्योर आप देखेंगे कि जो रोल नंबर है, जो रिज़ल्ट आएगा, जो रोल नंबर है आपका, उस रिज़ल्ट के सक्सेसफुल कैंडिडेट के मतलब सेक्शन में आपका रोल नंबर अवश्य होगा। तो ये रही हमारी सब बातें जो कि आपको इस किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम में सक्सेस दिलाएगी। और आपका कोई सवाल और कोई क्वेरीज होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।